जैसा कि दोस्तों अभी रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग निकल चुके हैं एक खतरनाक डरावने सफ़र पे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी जा रहे हैं कर्नाटका के शहर गुलबर्गा में। एक जगह है चोर गुम्बद करके, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे लोग दिन में जाने से डरते हैं। हम लोग रात में जा रहे हैं। कि दोस्तों यहाँ की लोकल आवाम का माने तो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ जो जाता है रात में कभी वापस जिंदा नहीं आता। तो हम लोग अभी जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है वहाँ पे हम लोगों के साथ। ना अंधेरे में तो हम लोग काले दिखेंगे, जैसा कि देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हम टीम के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। अभी देखेंगे आगे आगे क्या होता है इंशाल्लाह। देखो यहाँ से देखो, आ गए हम लोग। आ गए क्या? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे। क्या डर लग रहा है ना दोस्तों। तो ये लगभग 700-800 साल पुराना है। हाँ, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बाइक को आगे ले ले, थोड़ा ले लो आगे ले लो। आगे एक बार उधर मारो, उस पर हल्का सा फट नहीं जा रहा है। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है यही है भाई चोर गुम्बद। चलेंगे इसके करीब और शायद के अंदर भी। तो आ गए हैं तो फिर अभी थोड़ा अंदर जाके देखेंगे कि क्या होने वाला है। बचपन से हम लोग सुनते थे कि डरावनी चीज यहाँ पे, तो वली अल्लाह का मजार भी है और इतनी तो डरावनी चीज नहीं होगी। अभी जो डर थी दरगाह देख के, डर काफी हद तक खत्म हो गई। अभी यहाँ पे मजार शरीफ है, अभी दो दो नाम तो हमको नहीं मालूम। दो दरगाह यहाँ पे मजार शरीफ है, देखेंगे अभी। अभी हम लोग को देख के दरगाह दिखाओ थोड़ा आगे से करके। ऐसा तो लोग बोल रहे थे, हमको बचपन से डराते थे कि चोर गुम्बद है यहाँ पे, कोई जा नहीं सकते, कोई कुछ कर नहीं सकते। तो इस अभी देख रहे हैं आप, डर के लिए हम लोग आज तक यहाँ आए नहीं। हम पैदा भी यहीं हो गए हैं, अभी तक आए नहीं थे हम लोग, अभी आ रहे हैं हम लोग, देखेंगे। चलो इधर से रास्ता होगा ना, चलो अरे थोड़ा सा पकड़े ना भाई। इनका चेहरा क्या है, जगह है जैसा से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी बाउंड्री उठी हुई है। अरे काफी ऊंचाई पे भी है, देखो शहर नीचे दिख रहा है उधर सामने, देखो तकरीबन बहुत ऊपर है। हम लोग अभी वहाँ से शूट भाई, ये तो जैसे किसी हिंदी मूवी की तरह लग रहा है पूरा गेट वेट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डरावनी चीज़ है, हम लोग यहाँ नहीं जा सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हम लोग चोर गुम्बद के अंदर खड़े हैं। देखो अभी 12:17-18 हो रहे हैं, अभी हम लोग अंदर आए हैं। ऐसा तो हमको कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे, देखेंगे अभी आगे आगे जाके आप लोगों को कुछ नया कुछ देखने मिला तो देखेंगे उसके बारे में भी। एक सच्चाई जानने की कि आखिर क्या चीज़ है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे हमको जाने से मना करते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे व्यवहार है, क्या है ये देखने का मेरे को बहुत दिन से मन था। अंधेरा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन
नहीं रात होगी तो अंधेरा तो होगा ना यहाँ पे, ये इसका नाम ही है चोर गुम्बद, तो अभी यहाँ तो कुछ लाइट वीट का इंतजाम नहीं होगा। ये तो हमको भी नहीं मालूम, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ये चोर गुम्बद है, यहाँ पे जाना नहीं, यहाँ पे कुछ करना नहीं। अगले आजतल कुर्सी हम पढ़ लेते हैं फिर गेट पे चलते हैं। गेट पे चलते हैं। अल्लाह यहाँ वाकई अगर कोई दिन में भी आए फिर भी डर लगेगा। हम लोग तो इतनी रात में आ चुके हैं यहाँ पर, रात के 12:25 हो रहे हैं, अभी 12:30 हो गए। वही तो ये था हमारा पहला व्लॉग जो कि कर्नाटक से था, शहर गुलबर्गा से। हाँ शहर गुलबर्गा से जी। अभी ये लोग का पहला व्लॉग था जो शहर गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट में आता है। अभी ये जो गुम्बज आप देख चुके हो ना, ये तकरीबन 700 साल पुरानी है, ऐसा हमारे बड़े लोग बोलते थे कि यहाँ पे जाना नहीं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं थे कि यहाँ पे जाना नहीं, यहाँ पे जाना नहीं। मेरे को काफी दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊंगा, कब यहाँ की असलियत देखूंगा, क्या सच्चाई है क्या है। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ सामने भी आप देख सकते हो, जैसा कि हम लोग आपको इससे पहले बता दिए थे कि सामने मजार शरीफ है, कोई वली अल्लाह यहाँ पे। ज्यादा डर खत्म हो गई हमारी, अभी जिस तरह देखे हो ना आप, वली अल्लाह का यहाँ पे बसर है। हम लोग वो चीज से ना डरे नहीं है, अभी हम लोग पूरा अंदर तक आ चुके हैं, अभी देखेंगे क्या क्या होता है आगे। ऐसी बहुत सारी जगह है जिसका आपको नजारा कराएंगे। दंडीगिरी आप देख सकते हो, देख सकते हो। हाँ बाउंड्री गेट पूरा एकदम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि भाई मैं पहली बार फिलहाल भाई हमको भी लग रहा था। समझे दरगाह देख के ना तो तकरीबन हमारा 80% जो डर था ना ये कम हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मजार शरीफ है यहाँ पर ना, कोई वली अल्लाह का आस्थाना है यहाँ पर। जैसा कि हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ कोई वली है, कोई जिनका बसर यहाँ पे है, हम लोग को नहीं मालूम था। हम लोग बचपन से यही सुनते थे कि चोर गुम्बद में जाना नहीं, चोर गुम्बद बहुत डरावनी है, वहाँ पे लोग नहीं रहते, यही सुनते आ रहे थे हम लोग। कि मेरे को भी आने में थोड़ा डर हो रहा था पहले, अभी जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे मजार है, मजार को देखने के बाद ना 80% डर अपना भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। अभी जो 20% था ये भी खत्म हो गया, अभी अंदर जाके हम लोग वापस आए। ये सब बनावटी बातें हैं जो यहाँ के बड़े बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया कि बहुत दिन से मैं भी ये सोच रहा था कि कब मौका मिलेगा हम लोग कब जाएंगे यहाँ पे, ये हम लोग मौका ढूंढ रहे थे। चलो आज मौका हो गया है, अभी तकरीबन देखो हम लोग 1:15 हो रहा है, अभी 12:45 हो रहा है, हम लोग यहीं पे हैं इंशाल्लाह। अभी आगे जाके हम लोग देखेंगे कि ये नीचे से किस तरीके से लगता है। अभी हम लोग तो ऊपर है, बहुत ऊपर गए, अभी जैसा आप देख सकते हो देखे पूरे नीचे लग रही है सिटी, देखो नीचे दिखा रहे नीचे लग रही है, हम लोग इतनी ऊपर आ चुके हैं राइट। अभी हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे 3-4 किलोमीटर दूर में, वहां से देखेंगे कि गुम्बज कितनी ऊपर है, हम लोग कहाँ पे गए थे देखेंगे अभी नीचे जाके। चलो ऊंचाई का आप अंदाजा इसे इधर है, इधर ये लगता है बहुत खतरनाक चीज़। अबे चल, अबे चल, अबे भाग रहे नीचे भी देख, आप देखो ये देख।
धूल गाड़ी लगा के आए थे, इतनी दूर जाके वापस आए हैं। देखो हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, देखो हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, उससे जाके हम लोग आपको बताएंगे कि ऊपर का मंजर किस तरह था। अभी हमको ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। देख सकते हो आप गुमत यहाँ पे साफ साफ दिख रही है आपको। फिर भी आपके लिए रिस्क लेके हम लोग आए, लेके हम लोग आपको सच्चाई बताना चाह रहे थे कि लोग यहाँ पे बोलते असल क्या है, असल बात क्या है। हाँ। ये हमको मालूम नहीं थी ना, तो हम लोग आके देखे, अभी देखने के बाद हमको मालूम पड़ा है। हाँ। ये सारी बातें एक वहम के तौर पे यहाँ पे फैलाई, मनगढ़ंत बात बना के हम लोग को सुनाया था कि हम लोग वहाँ पे जाना नहीं करना। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी दूर दूर घर है, यहाँ आसपास कोई घर भी नजर नहीं आ रहा आपको। हाँ। देखो कितनी दूर दूर तक घर है। अभी जो सामने की जो लाइट दिख रहे है ना आपको, हाँ। ये मेन रोड की लाइट है। हाँ। हाँ। तकरीबन देखो घर की लाइट अगर आपको देखना है ना, कितनी दूर दूर तक और नजर नीचे कितनी है, बहुत नीचे। हम लोग तकरीबन अभी 200 मीटर तो ऊपर होंगे, 200 से 250 मीटर ऊपर होंगे हम लोग। अभी हम लोग नीचे जाके देखेंगे कि कितनी ऊपर है, अभी देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे। फिलहाल भाई चलो, अभी होश में आ गए क्या? अभी डरे हो तुम? नहीं यार, मुझे